भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलेगी। जी हां, आपको बता दें कि आयरलैंड भले ही कमजोर प्रतिद्वंदी हो, इसके बावजूद टीम इंडिया के लिए मैच बेहद खास होगा, क्योंकि भारतीय टीम इस मैच के जरिए एक स्पेशल मुकाम हासिल करने जा रही है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की शुरुआत 2005 में हुई थी, लेकिन ICC के पूर्णकालिक सदस्यों में इस फॉर्मेट को भारत ने सबसे अंत में अपनाया था। भारत ने भले ही 2007 में हुआ पहला T20 विश्व कप खिताब जीता था, लेकिन टीम इंडिया इस फॉर्मेट में ज़्यादा मैच नहीं खेली है। भारतीय टीम अभी तक 99 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेली है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रमुख देशों में सबसे कम है। भारत जब आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए मैदान में उतरेगा, तो यह उसका 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा। भारत 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाला 7वां देश बन जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने अभी तक खेले 99 T20 मैचों में से 61 में जीत दर्ज की है, जबकि 35 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना यह है कि इस रिकॉर्ड के साथ साथ टीम इंडिया ये मैच भी जीत पाती है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट।